कराई जाए। ठीक, श्रीमती रमा देवी। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर का सीतामढ़ी जिला पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रीगा शहर इस जिला का एकमात्र औद्योगिक शहर है, जो कि गन्ना उद्योग के लिए पूरे उत्तर बिहार में जाना जाता है, जिस कारण इस शहर में विभिन्न प्रदेश के लोग रहते हैं। परंतु स्वतंत्रता से पूर्व का यहाँ का रीगा रेलवे स्टेशन विकास से आज भी महरूम है। पड़ोसी देश नेपाल से सटे होने के कारण सीमा क्षेत्र के लोग का आना जाना भी प्रायः इसी रीगा रेलवे स्टेशन से होता है, किंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर आज तक कंप्यूटरकृत टिकट आरक्षण प्रणाली की भी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय लोगों, विभिन्न शहरों एवं बाहर के प्रदेशों से आकर काम करने वाले कर्मियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उक्त रेलवे स्टेशन सीतामढ़ी नरकटियागंज रेलखंड पर करना पड़ता है, जिस पर अमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। संभवतः 2 माह के अंदर यहाँ अमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। तदुपरांत आम लोगों की समस्या को देखते हुए यहाँ के गुजरने वाली लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन का रीगा स्टेशन पर ठहराव नितांत आवश्यक होगा। यदि रीगा स्टेशन रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत टिकट आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था करने के साथ साथ अमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण होने के बाद लंबी दूरी तक जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित किया जाता है, तो इससे आम लोगों का, व्यापारियों एवं यहाँ के उद्योग कार्यकर्मियों को राहत मिलेगी तथा रेलवे को भी राजस्व का लाभ होगा। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के उपरोक्त रीगा रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटरकृत टिकट आरक्षण प्रणाली का व्यवस्था करने के साथ साथ सीतामढ़ी नरकटियागंज रेलखंड पर अमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण होने के उपरांत यहाँ से गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि यहाँ के जुड़े आम लोगों को, उद्योग से जुड़े व्यापारियों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।